हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज हाउ डज द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वेरी इफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायलेट लाइट अगर मैं रेड लाइट को वायलेट लाइट से रिप्लेस कर दूं तो उस लेंस की पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा हम जानते हैं दैट पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ठीक है डायोप्टर और हम जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से कि जो फोकल लेंथ होती है लेंस मेकर फॉर्मूला से फोकल लेंथॉन एफ इक्वल वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ये होती है ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया हमारे पास ठीक है इस तरह से ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गई और म्यू जो होता है वो आपका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स होता है और आर वन और आर टू होते हैं वो आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं एक लेफ्ट साइड का और एक राइट right साइड का ठीक है दोनों साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं आपके आर वन और आर टू इसका मतलब जो फोकल लेंथ है वो दो चीजों पर डिपेंड करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पर और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर ठीक है और जो तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा वन अपॉन एफ की जगह मैं पी रख दू तो पी आ जाएगा म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू ठीक है जब हम रेड को वायलेट से चेंज करेंगे तो देखिए विवियोर के थ्रू हम जानते हैं कि हमारे पास ये सेवन कलर्स होते हैं और जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है इंक्रीज होती है इसका मतलब रेड की वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम है और वायलेट की जो वेवलेंथ है वो आपकी क्या है मिनिमम है और हम जानते हैं दैट म्यू इज द रेशियो ऑफ सी अपॉन वी जहाँ इसका मतलब म्यू जो है वो जहाँ पर सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और वी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है सली प्रोपोर्शनल है और वी लैमडा के प्रोपोर्शनल होता है जहां ज्यादा होती है वो लैमडा के क्या आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसका मतलब जिसका लैमडा मैक्स है उसका म्यू मिनिमम होगा और जिसका लैमडा मिनिमम है उसका म्यू मैक्स होगा तो मुझे पता चल गया कि रेड कलर के लिए म्यू रेड इज लेस देन म्यू वायलेट और पावर जो है वो म्यू के क्या है प्रोपोर्शनल है म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी तो जब हम वॉयलेट से चेंज करेंगे रेड uh, लाइट को रिप्लेस करेंगे वॉयलेट से तो म्यू की वैल्यू जो होगी इंक्रीज होगी और म्यू की वैल्यू इंक्रीज होने पर जो पावर होगी हमारी वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया आई होप यू वेल ऑल द बेस्ट